दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती शेड्यूल सेकंड 30,041 टोटल पोस्ट। अभी इसकी थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुई है, कुछ राज्यों की थर्ड लिस्ट नहीं आई है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर नॉर्थ ईस्ट साइड, मिजोरम वगैरह की। तो उन राज्यों से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो तीसरी लिस्ट का इंतज़ार आपको ज़रूर होगा, अपडेट दे रहा हूँ। तीसरी लिस्ट आ गई है लेकिन अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया। क्या अगली लिस्ट आएगी? क्या चौथी लिस्ट आएगी? आएगी तो कब तक आएगी? क्या कट ऑफ का क्राइटेरिया रहेगा? बड़ी इंपोर्टेंट जानकारी है दोस्तों आप सभी के लिए। GDS भर्ती की बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभी से क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दिया करो। देखिए दोस्तों, डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक भर्ती शेड्यूल सेकंड 30,041 टोटल पोस्ट। यहां पर थर्ड मेरिट लिस्ट आउट हुई। थर्ड मेरिट लिस्ट में 9,000 प्लस कैंडिडेट्स का नाम आया है। अभी तक आपने तीसरी लिस्ट चेक नहीं की है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां तीसरी लिस्ट आपको मिल जाएगी सभी राज्यों की। दोस्तों जो ये 9,000 प्लस कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम आया है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है 4 नवंबर। ठीक है, पहले इनको 10 दिन का समय दिया जा रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा 5 डे और दिए जाते हैं। तो यहां पर पहले 10 दिन दिए जाएंगे 30 अक्टूबर, उसके बाद 5 दिन और 4 नवंबर लास्ट डेट है। तो जिस भाई बहन का तीसरी लिस्ट में नाम आ चुका है उनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग मैसेज का बिल्कुल भी वेट ना करें, बिना मैसेज के ही आप पहुंच जाइए। इसमें ऐसे होता है कोई टेक्निकल एरर की वजह से, कुछ कमियां की वजह से आपके पास मैसेज नहीं आते हैं, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बिना मैसेज जाइएगा। कहां पर जाने हैं वो आपने लिस्ट चेक की होगी ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एड्रेस दिया हुआ है, वहीं पहुंच जाइए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं दोस्तों चौथी मेरिट लिस्ट की, आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, क्या कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ बताऊंगा। उससे पहले थर्ड लिस्ट की कट ऑफ की अगर बात करें तो इसमें कट ऑफ जो है डाउन हुआ है वजाय सेकंड लिस्ट की। 71% वाले स्टूडेंट्स का भी इसमें नाम आया है दोस्तों। 71+ कैंडिडेट्स आप जो है इसमें देखिएगा, आया है उनका नंबर, तो घबराने वाली बात नहीं, कम प्रतिशत पर भी आपका इसमें चयन जरूर होगा। कुछ राज्यों का हाल बेहाल है, जैसे हरियाणा हुआ, इधर पंजाब, दिल्ली, बिहार। अब बिहार की कट ऑफ देखकर आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि बिहार में क्या है, फर्जी अभ्यर्थियों ने ज्यादा फॉर्म फिलअप किया है, वो सब यही फेल हो गए हैं, आगे नहीं जाएंगे, आपकी सीट बची हुई है। नेक्स्ट 5 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इनकी जो है थर्ड मेरिट लिस्ट अभी नहीं आई, आएगी, चुनाव है अगले महीने, तो जैसे ही चुनाव की प्रक्रियाएं आचार संहिता समाप्त हो जाएगी आपकी यह लिस्ट आ रही है, घबराइएगा नहीं अगले महीने में। ठीक है, और आपका 2-3 दिन में और सटीक जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा, कोई रोका नहीं गया है, तीसरी लिस्ट आएगी, चौथी आएगी। अब बात करूं दोस्तों चौथी लिस्ट की, आएगी क्या? हाँ दोस्तों, बिल्कुल सभी 23 सर्किल की आपकी जो है चौथी लिस्ट आएगी, क्योंकि जो ये शेड्यूल सेकंड है ना 30,041, इस भर्ती का प्रोसेस दिसंबर तक चलने वाला है, तो दिसंबर तक लिस्टें आती ही रहेंगी जब तक ये पोस्ट सारी भरना जाए। ठीक है, तो चौथी लिस्ट आएगी, अब कब तक आएगी इसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, क्योंकि यहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है फर्स्ट वाला 4 नवंबर तक, 4 नवंबर के बाद एक्स्ट्रा आप और प्लस कीजिए इसमें 10 दिन। ठीक है, 10-5 दिन तो लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर ये देखा जाता है सर्कल वाइज, डिविजन वाइज कितनी पोस्ट भर गई है, कौन सी डिविजन में कितनी सीट खाली रह गई है, तभी उसी के बेस पर आगे की मेरिट सूची जारी होती है। तो आपको मैं संभावित बता देता हूं कि चौथी जो मेरिट लिस्ट है वह आएगी 15 नवंबर के आसपास, दिवाली के आसपास आएगी दोस्तों, और दिवाली से पहले पहले आने की पूरी पूरी संभावना है। आपकी दिवाली अच्छी बनेगी, टेंशन में ना रहिएगा, अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आया तो इसमें तो अवश्य ही आ जाएगा, क्योंकि कट ऑफ की अगर बात करूं तो 2 से 5% की गिरावट देखने को मिलेगी। इधर आप जाइए गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र,
ठीक है, यूपी कट ऑफ कम गया है, तो यहां पर संभावना है कि जिसकी 70% है कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्किल से होगा चयन, किसी की 80% है तो चयन होगा, 90% वालों का भी इसमें चयन होगा, तो घबराइएगा नहीं, आ रही है चौथी लिस्ट, बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें भी नाम आएगा। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है, आवश्यक दस्तावेज चाहिए तो ध्यान देना, यह जरूरी बात है दोस्तों। दसवीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपकी दसवीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उस कंडीशन में लेकर जाना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कह सकते हो आप इसे, जाति प्रमाण पत्र भी कह सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का 1 साल की वैलिडिटी वाला और ओबीसी का 3 साल की वैलिडिटी वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी एससी एसटी को कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती ही है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका चयन अदर राज्य में हुआ है, आपके राज्य में नहीं हुआ है, आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दूसरे राज्य में जाकर करवा रहे हो तो सेंट्रल वाला चाहिएगा, और खुद के राज्य में करवा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अपने स्टेट का ही लेकर चले जाना। किसी का अगर पीडब्ल्यूडी से चयन हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जेंडर चेंज किया है तो वो सर्टिफिकेट, मेडिकल और आधार कार्ड, ये सब लेकर आपको जाना है। जिसके पास मैसेज नहीं आया, थर्ड लिस्ट में नाम आ चुका है, यही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अगली लिस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी, आपको भी जरूरी मैं बता देता हूं कि यही डॉक्यूमेंट्स आप पास रखिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस भर्ती को जल्द से जल्द समाप्त किया जाएगा और नई वैकेंसी आएगी फिर साल 2024 के अंदर, बंपर पद उसमें आएंगे, दसवीं पास बिना परीक्षा डायरेक्ट उसमें सिलेक्शन होगा। तो यह था दोस्तों कुछ बातों को लेकर नया अपडेट, जो सोशल मीडिया है उस पर इन चीजों को लेकर झूठी जानकारियां दी जा रही है, उन झूठी जानकारियों से आपको बचना है। आज ही अपने अभिषेक क्लासेस से जुड़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, हमेशा भविष्य में आपके लिए काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।